सभी देशवासियों को मेरा नमस्कार। मैं अभी त्रिपुरा में हूँ, अगरतला शहर में अपने घर में हूँ, और आप सबसे मिलने के लिए मेरे साथ त्रिपुरा का एक बहुत छोटा सा कलाकार, जिसने रियलिटी शोज की दुनिया में एक जमाने में धमाका कर दिया था, अंशुमान नंदी मेरे साथ है। नमस्ते करो सबको। तुम्हारा आवाज ही नहीं निकल रहा है, तुम्हारे ड्रम से जैसे आवाज निकलता है वैसे जोर से नमस्ते बोलो सबको। नमस्ते। अब सुनाई दिया सबको। इंडियाज गॉट टैलेंट में 6 लोग जो सिलेक्ट हुए पहले, उसमें से अंशुमान था। उस समय उसकी आयु केवल 2.5 साल की थी, 2 साल 6 महीने की। उसके बाद में सचिन तेंदुलकर का एक शो जो NDTV पर चलता था, उसमें इसने आकर ड्रम बजाया था। उस समय इसकी उम्र केवल 3 साल की थी। उसके बाद में कई, अब तुम ही बोलो तो कौन से इसमें तुम गए थे, शोज में गए थे? जी बांग्ला में कोई गए थे तुम? हाँ, गए थे। अच्छा, क्या जी बांग्ला में कौन सा शो था वो? ड्रम का शो था, गाने का शो था। तुमने गाना गाया या ड्रम बजाया? ड्रम बजाया। और गाना किसने गाया? मैं सिंगल था। तुम सिंगल थे। उसमें भी तुमको, तुम्हारा कौन सा नंबर आया उसमें? कौन से राउंड में आउट हो गए? पहले राउंड में आउट हो गए। चलो, पहले राउंड में आउट हो गए तो बाद में और जल्दी आगे जाने के लिए तुमको सबक भी मिल गया, और तुमको नेशनल अवार्ड भी मिला ना। क्या मिला वो अवार्ड? म्यूजिक अवार्ड्स, नेशनल म्यूजिक अवार्ड्स, महिला बाल कल्याण मंत्रालय के माध्यम से जो संगीत को लेकर जो अवार्ड्स मिलते हैं, उसमें बाल संगीत कलाकार का अवार्ड अंशुमान को मिला हुआ है। अच्छा, तुमने फिल्मों में भी काम किया है ना? कितनी फिल्मों में काम किया है? एक। कौन सी फिल्म है वो? हिंदी मीडियम। उसमें तुम्हारा क्या रोल है? मोहन। मोहन का क्या होता है? नहीं, मोहन का रोल क्या है, मतलब वो छोटा बच्चा है तो उसका क्या काम है? मोहन का क्या, स्कूल में एडमिशन होती है उसकी? नहीं होती है ना। तो वो पिताजी को क्या डायलॉग मारते हो तुम जब एडमिशन नहीं होती है तब? पिताजी नहीं, मैं और पिताजी। हाँ, तो तुम्हारे फिल्म में जो पिताजी है उनको तुम क्या बोलते हो एडमिशन नहीं होती है तब? मेरी किस्मत अच्छी नहीं है ना बाबा। मेरी किस्मत अच्छी नहीं है ना बाबा। और कौन से डायलॉग याद आते हैं उस फिल्म के? पापा डेंगू। अच्छा, पापा डेंगू। हाँ, वो जो 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 बस्ती में वो लोग रहते हैं वहाँ जो अलग अलग बीमारियाँ होती रहती है उसको लेकर, आपने देखी होगी हिंदी मीडियम फिल्म, बहुत बेहतरीन फिल्म है, मैंने भी देखी है। और उस फिल्म में जो इंग्लिश मीडियम के अच्छे स्कूल में एडमिशन को लेकर बहुत सुंदर वो फिल्म को बनाया गया है, तो उसमें एक गरीब परिवार के बच्चे को एडमिशन नहीं मिलती है जो एक्चुअली लायक रहता है, लेकिन नहीं मिलती है, उस गरीब बच्चे का रोल इसने अदा किया है। अच्छा चलो, अभी तुम्हारी उम्र कितनी हो गई? 9 साल। तो 2.5 साल के थे तब तुमको पहला अपीयरेंस पूरे दुनिया के सामने मिला, अभी बहुत साल हो गए ना। उसके बाद में तुमने कहाँ कहाँ पर शो किए? गुवाहाटी, मुंबई, दिल्ली। अच्छा, और अगरतला में, अगरतला में कल भी शो, 15 तारीख को शो है ना तुम्हारा, बहुत बढ़िया। और तुमको कहाँ कहाँ जाने की इच्छा है शो करने के लिए? मुंबई, दिल्ली। लेकिन फेसबुक पर तो तुमको सारी दुनिया के लोग देख रहे हैं, वो बोलेंगे जाओ फिर मुंबई दिल्ली, बाकी जगह हम नहीं बुलाते। कहाँ जाना है तुमको बताओ? सब जगह जाना है, और सब जगह लोग बुलाएंगे तुमको तो जाओगे ना शो करने के लिए, ड्रम बजाकर दिखाऊंगे ना। मेरे पास ड्रम नहीं है, नहीं तो मैं यहाँ पर ड्रम अरेंज करके इसका ड्रम आपको सबको दिखाता था, लेकिन मैं आप सबके माध्यम से बताना चाहूँगा कि इस त्रिपुरा के बच्चे को सारा भारत समर्थन करे, इसके अंदर टैलेंट है, 2.5 साल के उम्र में क्या ड्रम बजाया है उसने। अच्छा, तुम मुझे बताओ
तुमने ड्रम का स्टिक कब से हाथ में लिया? 9 महीने के थे तब पहली बार। हाँ। और वो स्टिक लेकर किसको मारा? मेरे पापा। पापा को मारा। पापा इधर आइए, आइए पापा इधर आइए। आपका नाम क्या है? विश्वजीत नंदी। इसके पिताजी वो भी एक ड्रमर है, और वो जो ड्रम बजाया करते थे तब जरूर माँ के गर्भ में रहते हुए इसने ड्रम की आवाज पहले सुनी होगी, और वहीं पर उसने प्रशिक्षण लेना शुरू किया होगा, क्योंकि 9 महीने का ये बच्चा था तब पहले बार उसने ड्रम स्टिक हाथ में ली और बजाना शुरू किया। और इसने कब अच्छा ड्रम बजाया आपके याद में? इसको ढाक बजाने का बहुत शौक था। क्या ढाक? ढाक बंगाली का जो दुर्गा पूजा में जो बजाते हैं। हाँ। तो ढाक बजाने से अच्छा, उससे शुरुआत किया उसने। तो मतलब वो बजाता था और मेरा स्टूडेंट भी है घर पे, तो उन लोगों को मैं सिखाता था, वो फॉलो करता था वो कैसे बजाता है। अच्छा। तो एक रोज मैं देखा कि वो बजा रहा है ऊपर, मैं समझा कि मेरा स्टूडेंट कोई बजा रहा है, तो जाके देखा तो वो बजा रहा है। अच्छा। तो उसी वक्त मुझे लगा कि वो बजा सकता है, आविष्कार हुआ कि अपना बेटा ही कर सकता है। फिर आपने बेटे को सिखाना चालू किया? तो जो भी इसको दिखाना चाहता हो तो कैच बहुत अच्छा, जल्दी कर। तुमको ड्रम के अलावा भी कोई इंस्ट्रूमेंट आते हैं बजाने? कौन से? तबला आता है जी। अरे एकदम दो छोर है अलग अलग। वो तो एकदम तबला में दिया है इसको, तबला सीख रहा है वो। अच्छा, तबला सीख रहे हैं। लेकिन तबला के अभी कभी शो नहीं हुए ना तुम्हारे जी। अच्छा, तो तबला के भी तो शो करने चाहिए ना इसे। बिल्कुल करेंगे। तबला हो गया, ड्रम हो गया, इसके अलावा और? अच्छा, तुमको म्यूजिक डायरेक्टर कौन अच्छा लगता है? यार रहमान अच्छा लगता है। हाँ, उसमें तो बहुत ड्रम बजाए ना, बहुत सारे फिल्मों के गानों में ड्रम है उनके। पुराना म्यूजिक डायरेक्टर कोई मालूम है क्या, जो ड्रम बजाता था और जिसके गानों में ड्रम रहता था? नहीं मालूम। पिताजी को मालूम होगा? पिताजी को आर डी बर्मन। कहाँ के थे मालूम है तुमको? अगरतला के थे। अच्छा, ये जानता है, आप लोगों में से कई लोग नहीं जानते होंगे, आर डी बर्मन और एस डी बर्मन जो है वो त्रिपुरा के थे, और यहाँ की त्रिपुरा की जो जनजाति थी, जनजाति है, उस जनजाति के यहाँ के ट्राइब को वो इंडिजिनियस लोग है, उनको बिलोंग करते थे, और महाराजा परिवार के थे। सचिन देव बर्मन ये महाराजा परिवार के थे, और लेकिन राहुल देव बर्मन जी बहुत ज़्यादा कभी त्रिपुरा नहीं आए थे, लेकिन सचिन दा जरूर कई बार त्रिपुरा में आए थे। उसी त्रिपुरा से अब ये नए छोटे छोटे कलाकार आगे बढ़ रहे हैं, और आगे क्या बनने की इच्छा है तुम्हारी? आगे मुझे ड्रमर बनना है और अच्छा आदमी बनना है। अच्छा आदमी कैसा होता है? अच्छा होता है। ठीक है, तो बुरा कैसा होता है? बुरा होता है। चलिए, अच्छा होता है, बुरा होता है, लेकिन अच्छा क्या है और बुरा क्या है अभी धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। पापा कैसे? बहुत अच्छे है ना। चलो, मतलब पापा जैसे बनना चाहता है। और अभी स्कूल में भी तुम जाते हो ना, कौन से क्लास में पढ़ते हो? सर 4। कौन से क्लास में? 4 क्लास। स्कूल का नाम क्या है? श्री कृष्ण मिशन स्कूल। अच्छा, तो स्कूल में मारामारी होती है बच्चों के दोस्तों के साथ? मतलब तुम अच्छे स्टूडेंट हो? अच्छा, लगता है तुमको अच्छे हो। वेरी गुड। और पढ़ाई विढ़ाई करते हो? कौन से सब्जेक्ट में कमजोर हो? बंगाली में कमजोर हो, मातृभाषा में कमजोर हो, मैथ बीच में कोई प्रॉब्लम नहीं? और संगीत है क्या एक सब्जेक्ट है? संगीत नहीं होना चाहिए ना। और तुमको गाना भी आता है? कोई तो गाना आता होगा ना।
तो गुनगुनाते होंगे ना एक जिंदगी, एक अच्छा गाना। इसका फिल्म का गाना उसका। अच्छा अच्छा वो स्कूल के बच्चे जो गाना गाते हैं, हाँ वो है ना तुम्हारे हिंदी मीडियम में स्कूल में गाना है ना बच्चों का, आता है एकाध लाइन बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर गाना गाया तुमने। और अभी छुट्टी में तुम प्रैक्टिस कैसे कर रहे हो, किसके पास सीख रहे हो? अमित किलम मुंबई में इसके सर है, अमित किलम। तुम मुंबई जाते हो उनके पास सीखने के लिए फिर? अच्छा वो इंटरनेट से सिखाते हैं तुमको, सबको सिखाते हैं या तुमको स्पेशल सिखाते हैं? तुमको सिखाते हैं। रोज सिखाते हैं? नहीं। फिर हफ्ते में एक बार। कितना टाइम? एक घंटा मतलब जो देता है वो वीडियो, तो वो 5 मिनट का होता है वीडियो, तो उसका वो एक घंटा प्रैक्टिस कर लेता है। अच्छा तो वो वीडियो लाइव रहता है, रिकॉर्डेड भेजते हैं? रिकॉर्डेड भी भेजता है और लाइव भी रहता है। कलकत्ता में भी एक सर है उसका। कलकत्ता के सर कौन है तुम्हारे? अप्पू दा। अच्छा तो उनके पास से भी सीखते हो? वो जाता है। तुमको और भी फिल्मों में काम करने की इच्छा है? अच्छा छोटे बच्चे का रोल करने की या बाद में हीरो बनने की? दोनों इच्छा है। छोटा है तो छोटे का रोल करना पड़ेगा। लेकिन अमिताभ बच्चन जी ने भी एक छोटे बच्चे का रोल किया था, अभी उनकी उम्र कितनी ज्यादा है लेकिन छोटे बच्चे का रोल किया था, देखा था तुमने? पा ना पिक्चर, पा में रोल किया था। अच्छा ठीक है, तो तुमको अभी कौन सा हीरो अच्छा लगता है? शाहरुख खान अच्छा लगता है। और हीरोइन? सोनाक्षी सिन्हा अच्छी लगती है। चलो बहुत बढ़िया है। और त्रिपुरा में कौन अच्छा लगता है तुमको? पापा अच्छे लगते हैं। चलिए आप बहुत सौभाग्यशाली है, आपसे प्यार करने वाला बेटा आपको मिला है। देखिए त्रिपुरा में ये इतना सुंदर टैलेंट है और ये टैलेंट रियलिटी शोज के माध्यम से बाहर आया है। और हम लोग यहाँ पर त्रिपुरा सरकार को भी मैं कहूँगा कि इसको उचित स्थान दिया जाए, सहयोग किया जाए, ताकि आगे जाकर ये एक बहुत अच्छा ड्रमर बने, म्यूजिक डायरेक्टर बने, इसके अंदर के जो छुपे हुए टैलेंट्स हैं वो बाहर निकले। क्योंकि 2.5 साल के उम्र में एक उत्तम ड्रमर बनना कोई मजाक नहीं है, ये अपने आप में दिखाता है कि इसके अंदर बहुत भयंकर टैलेंट छुपा हुआ है। और मैं तो पूरा इसको सहयोग करूँगा। फेसबुक से देखने वाले लोगों को भी मैं निवेदन करता हूं कि आप अपने अपने स्थान पर जब भी कोई बड़े म्यूजिकल इवेंट्स करें तो हमारे त्रिपुरा के इस बच्चे को, अंशुमान को, आप ज़रूर बुलाएं और उसको वहां पर फेलिसिटेट भी करें, उसको मौका भी दें। और भी आपको कहीं भी ऐसे लगता है कि इसको हम आगे बढ़ने के लिए मौका दे सकते हैं तो आप ज़रूर मेरे फेसबुक पर आप मैसेज डालिए। मेरे फेसबुक पर साइन अप का ऑप्शन है, उसमें आप मैसेज डाल दीजिए, मेरे फेसबुक में मैसेज डाल दीजिए, मैसेज अंशुमान तक पहुंच जाएगा। अच्छा तुम्हारा फेसबुक है? सर मेरे पापा का है। नहीं नहीं तुम्हारा फेसबुक का अकाउंट खोला है कि नहीं तुमने? हाँ। क्या नाम से है? अंशुमान नंदी। तो इसका भी फेसबुक का अकाउंट है अंशुमान नंदी, आप जरूर लाइक करें उसको, उस अकाउंट पर भी आप मैसेज भेज सकते हैं ताकि डायरेक्ट उनके पिताजी के पास ये मैसेज पहुंच जाएगा। आज वेबसाइट भी है इसका anshuman.in वेबसाइट, anshuman.in इसकी वेबसाइट भी है। वाह 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 वाह, अब तो बहुत एडवांस है सोशल मीडिया में और टेक्नोलॉजी में। ट्विटर भी है?
नहीं ट्विटर तो नहीं, अभी तो ट्विटर समझने की उम्र नहीं है, तो फेसबुक अपडेट करते हैं, फोटोज अपडेट करते हैं, अच्छा उसके वीडियोस अपडेट करते होंगे। तो अभी जो परसों कार्यक्रम होगा अगरतला में, उसको इसके फेसबुक पर लाइव करेंगे आप? लाइव मैं तो नहीं कर सकता क्योंकि अभी शो में नहीं, तो आप ऐसा कीजिए हम किसी कार्यकर्ता को आपको दे देते हैं, तो वो बराबर उसको पूरा लाइव प्रोग्राम चले, ये सब लोग देखेंगे इसका लाइव जो परफॉर्मेंस है, ठीक है ना। फेसबुक के माध्यम से मैं चाहता हूँ आप अपने कमेंट्स के रूप में इस लाइव वीडियो के नीचे बहुत सारी कमेंट्स देकर अंशुमान को शुभकामनाएं दे, उसका अभिनंदन करें, और आप किसी भी स्वरूप में उसके पीछे खड़ा रहना चाहते हैं, उसको सपोर्ट करना चाहते हैं, तो कमेंट्स के रूप में ज़रूर लिखें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको, नमस्कार। अंशुमान नमस्कार करो, नमस्कार, नमस्कार।